चलो आओ फरसंत, मिलकर खोज लगाते हैं। बाबा और यूनुस अफंदी? हाँ, बाहर गए हैं दोनों। कुछ तलाश का कह रहे थे। जल्द सेहत याब हुई यूनुस अफंदी, शुक्र है आप चलने फिरने लगे। थोड़े दिन देखा नहीं तो भूल गए मेंबर चीको खाजी अफंदी? 3 दिन गुजर गए मेंबर सास को। काम खत्म किए बगैर वो वापस नहीं आता, चाहे 30 दिन लगे या 3 दिन। देखो, पहचानते हो ना इसे, कुछ कहना चाहता है तुमसे। हम अपने किस्से तो सुनाते ही रहते हैं, क्यों ना आज की महफिल में एक मसीही पादरी की बातें सुनाई जाएं। पादरी के कहने से भी हकीकत हकीकत ही रहती है। शाम बखैर यूनुस अफंदी। शाम बखैर कासिम अफंदी। अंदर आ सकता हूँ मैं? मरहूम सुल्तान मोहम्मद गयासुद्दीन ने जिसे फतह किया था, काफिर दोबारा इकट्ठे और इस बार मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग का मरकज बनाया अनातोलिया को। ये दूसरा सलीबी मरकज था। आप इस ख्याल से परेशान तो नहीं होते कि दूसरे दरवेश क्या सोचते होंगे इस बारे में? मैं नहीं जानता। सुबह बखैर मोहतरम, कैसे हैं आप? जवाब देना मुनासिब नहीं समझा आपने। मैं नहीं जानता। शब भर बेदार रहे क्या? मैं नहीं जानता। सुना है आप एक बार फिर मनसब संभालने जा रहे हैं। लोग बेचैन हैं कि आप दोबारा अदालत में कब रौनक अफरोज होंगे। मैं नहीं जानता। सच कहूं तो पीर भाई, हमें बहुत खुशी है मगर साथ तशवीश भी है। खैर, इसमें भी अच्छाई ही होगी। शेख मोहतरम के ताल्लुक से हमारा एक पीर भाई काजी होगा। शेख मोहतरम रियासत की अदालत की जिम्मेदारी निभाने वाले किसी शख्स को ये तरगीब नहीं देते कि वो अपने फराइज छोड़कर दरगाह में दरवेश बन जाएं तरके दुनिया करके। अगर कभी उनके दिल में ये ख्वाहिश होती तो पहले ही इशारतन कहते थे। क्या कभी आपसे ऐसा कहा उन्होंने? मैं नहीं जानता। इस रवैये का जो नतीजा होगा उसका तायुन आप जाने। हम तो बस आपके हक में दुआए खैर ही कर सकते हैं। वक्त काफी हो गया पीर भाई, आपको मजीद जहमत नहीं देना चाहता। शब बखैर। शब खैर कासिम अफंदी। वाफ़ुअन्ना अमीन, वक़्फ़िर लना अमीन, वरहमना आमीन, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, सदकल्लाहुल अज़ीम। तुम्हारी रूह सदा शाद रहे बेटी। कब शुरू किया था तुमने हिफ्ज का दर्स? सर्दियों में बाबा जान, 5 महीने हो गए। अब तुम दर्स के लिए हाफ़िज़ा फातिमा बाजी के पास जाना शुरू कर दो, वो बाजार की मस्जिद में दर्स देती हैं। जानती हूँ उन्हें। वालिदा के साथ चली जाया करो, चाहो तो किरा के साथ भी चाहो तो जा सकती हो। ऐसा करती हूँ, कल ही चली जाती हूँ बाबा जान। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बेटी, शब बखैर, जीती रहो।
कैसे पहुंचोगे खोनिया? घोड़ा मौजूद है मेरा बाहर। दुर्वेश होते तो मैं कहता कि जान दूसरी जान की मालिक नहीं। खैर, घोड़ा रख पर डाल दो और फिर देखो कहां तक पहुंचाता है। कौन हो तुम ऐ शख्स? कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैं नहीं जानता। अपना नाम भी नहीं जानते? मैं नहीं जानता। अच्छा, तो इस वक्त से अब ये बात याद रखना, तुम्हारा नाम यूनुस है। तुम्हारे दिल और जहन की सफाई हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि जिक्र ने तरोताजा कर दिया तुम्हें। अब तुम पर यह जिक्र वाजिब नहीं रहा। इजाजत है शेख मोहतरम? इजाजत मांगने वाले को इजाजत दी जाती है। मैं नहीं जानता जिक्र से तो आपने मुझे रोक दिया है बिल्कुल। क्या कोई नया जिक्र नहीं बताएंगे शेख मोहतरम? आओ, इधर आओ। मैं जो जिक्र तुम्हारी जुबान पर जारी करवा रहा हूँ, बहुत से रास्विना हुए उसमें जो नाअहलों को नहीं बताए जाते। नाअहल पर इश्क का राज खोल दिया जाए तो तुम पर पलट आएगा और पलट कर वो तुम्हें गिरवी रख लेगा। हो सकता है कि वो शख्स राज का मीन न साबित हो सके और राज को अफशा कर दे। चेहरा उठाओ अपना, तुम्हारी भवों का दरमियानी हिस्सा दिखाई दे मुझे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। क्या कहा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब सुनो फरजंद, तुम्हारा नाम आज से हमारे दुर्वेशों के दफ्तर में दर्ज किया जा रहा है। अल्लाह इस राह पर इस्तेकामत बख्शे, हिम्मत में इजाफा हो। इसे खुराफात न समझना। जो राह दुर्वेशी पर चल पड़े उसमें हकीकी दुर्वेश जैसी कुव्वत मुलज़म होती है। चीजें खिंची चली आती हैं, मगर ये एक राज है और ये राज खुलता है तालिब पर। तालिब वो है जो इन उसूलों के तहत राह हक पर चलकर कुर्ब इलाही पाले। उसूलों से हटने वाले वो महरूम हैं, और फिर यही महरूम और बेअमल मुसाफिर यही बदनसीब लोग कहते हैं। ये राह तो खुराफात है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हम सही राह पर हैं या खुराफात में पड़े हैं हमें नहीं मालूम। हम तो अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं।
इतनी सी बात है बस, और कोई सच्चाई नहीं है। ये भी नहीं कहते हम कि हम हक पर हैं और वो बातिल राह पर। अभी तक कोई इस राह के अख्ताम तक पहुंचा है जो कह सके कि कौन हक पर है और कौन बातिल। हकीकत बस एक ही है, तौहीद, यकताई। महज जबानी कलामी अल्फाज कुछ नहीं करते, बल्कि दिल से महसूस किया जाता है इसे। किताबों के सुफों पर एहसासात नहीं लिखे होते, हरूफ होते हैं फकत। दिल मगर हर जुबान समझता है। दिल की किताब में एहसास से आरी किसी हर्फ की जगह नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि हम दीवाने हैं जो पहाड़ों सहराओं में जिक्र जारी करते हैं, या हम मजसूब हैं, बेखुदी में हैं, अपनी कोई खबर नहीं। जिक्र दरवेश की रूह को पाक करता है। उसके अपने उसूल और अरकान होते हैं जो खुद नहीं जान सकता कोई। राह पर चलो तब खुलते हैं राज। हम ढंडोरा नहीं पीटते इन राज की बातों का हर ऐरे गैरे के आगे। हम तो इस राह के आवाज पर खड़े एक ज़ईफ शख्स हैं। ये राह सीधी है यूनुस या चक्करदार, हमें नहीं मालूम। हाँ, अगर कोई खुदा कर दरियाफ्त करना शुरू कर दे तो थोड़ा तारुफ करवा देते हैं बस। और अगर हमारे पास कोई खुद से ना आए तो हम उसे दावत भी नहीं देते। हर कोई इस राह पर अपने मिजाज से चलता है। तुम अब अपनी जबान पर मुस्तकिल कलमे तौहीद रखोगी यूनुस। तुम्हारा जिक्र होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो यूनुस, ये कभी न भूलना कि जिक्र के अलावा कोई तरीका जबान की तरबियत का है ही नहीं। लोगों में बैठे हुए हो तो खफी यानी दिल में जिक्र, और जब तन्हाई में सर आ जाए तो जली यानी आवाज से जिक्र। लोगों के दरमियान जुबान से नहीं, दिल में जिक्र। ये तो हक की राह के उसूल हैं, मुरीदों का तरीका है। एक बार फिर याद दिला दूं, उसूल न हो तो उसूल मुमकिन नहीं। शुरू किए बगैर पहुंच नहीं सकते। याद रखना, हमारा मकसद महज राह पर चलते चले जाना पतन नहीं है। हमारा मकसद तो मंजिल है। राह बस एक है, एक में जा मिलती है और एक ही रहती है। और ये जो हैवान हैं, दरख्त हैं, पानी है, पहाड़ हैं, हवा है, आसमान है, ये सारे के सारे जुदा भी हैं और नहीं भी, सबकी असल एक है। कभी तुम अपने हाथ में आईना लेकर सूरज को दिखाओ तो आईने में तुम्हें बिल्कुल वैसा एक और सूरज भी नजर आएगा। तो क्या आईने में नजर आने वाला ये अक्स बजात खुद सूरज है? हरगिज नहीं। लेकिन क्या वो सूरज ही की बदौलत नहीं है? असल में तो वही एक सूरज है कायनात में, और यही बस तौहीद है। सूरज ही ना हो अगर तो आईने में अक्स नजर आ सकता है क्या? इसका मतलब है ये राह सूरज को जाती है। अब अगर तुम्हें हर बात बिल्कुल खोल कर बता दी जाए तो हरगिज तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं होगा और न ही उसके मानी समझ आएंगे। यूं समझो जैसे दीवाने की बड़बड़। खुद राह पर चलकर देख लो ना। क्यों नहीं खुद चलकर देख लेते तुम यूनुस, बशर्ते के देख सको। और देख ही न सको तो सब बेकार। सिर्फ आंखों से ये सब नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस राह पर तो नाबीना भी देख सकते हैं और बीनाई रखने वाले भी नाबीना हो सकते हैं। याद रखना फरजंद, जुबान पे जारी अस्मा जिंदगी भर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे इंशाअल्लाह।
चलो शाबाश, कह दो जो कहना चाहते हो। मुझे कोई नया फरीजा नहीं सौंपेंगे शेख मोहतरम। जिक्र से अपनी जबान तर रखना। अच्छा हमें सोचने दो जरा, समझ में आया तो कोई मुनासिब फरीजा सौंप देंगे तुम्हें फरजंद। सब बखैर हो आपकी पीर भाई। आखिबत बखैर हो आपकी पीर भाई। नाश्ते के लिए आना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाह। आओ आईना लाओ, यहीं बैठ जाओ। आ जाओ आईना लाओ, आ जाओ आईना, आ जाओ। लो शुरू करो। बिल्कुल तसल्ली से खाओ तुम। सुभान अल्लाह। अली ताइगो अफंदी, आपकी हस्ब ख्वाहिश आज के बाद से हम शोरबा अपने हुजरे में ही पी लिया करेंगे, ताकि आयनाल अफंदी यहां पर सुकून से नाश्ता कर सकें। मुनासिब है ना? निकालो इसे, प्याला भरो इसका, चमचा पकड़ाओ और हुजरे में रवाना कर दो। आओ मेरे साथ आयनाल। भाइयों, क्या हम चले जाएं? यही चाहते हैं ना आप सब? ये क्या बदतहजीबी है? मुसलसल बेइज्जती की जा रही है मेरी। क्या ये मजूबों की दरगाह है? हां, एक आध मजूब जरूर है यहां, एक आध, मगर हम उनकी देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारा मकाम उनके बराबर नहीं। हम मजूब नहीं। नाहलों की नजर में यकीनन दीवाना होगा वो, लेकिन दरगाह के लिए एजाज है आइनाल। यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मनसब था। हमें अल्लाह ने ऐसी कोई मोहर नहीं बख्शी कि किसी को दीवाना किसी को एजाज कहते। ठीक है, फिर
आप लोग खुश रहें। हाजिर हो सकता हूं मातरम। आओ आओ यूनुस, मैं तुम्हारा मुंतजर था। हमने काफी सोच विचार की इस पर, बिलाखिर तुम्हारे लिए एक वजीफा सोच ही लिया हमने। तुम आज से दरगाह के मशकीदा बरदार का अहम मनसब संभालोगे यूनुस। मशकीजा लेकर चश्मे से पानी भरकर नालेहान भर में फेरा लगाना, फकीर फुकरा को, मुसाफिरों भटकियारों को, मेहनतकशों को, दुकानदारों को, बड़ों को छोटों को, दिन भर सबको पानी पिलाया करोगे तुम। शर्फ होगा मेरे लिए शेख मोहतरम, शुक्रगुजार हूं कि इस जिम्मेदारी से नवाजा गया मुझे। जिक्र से एक लम्हे के लिए भी गाफिल ना होना। जिक्र दरवेश की आतिश कल्बी है, आग के बगैर आशिक तो दरकिनार, पुख्ता ईंट तक नहीं बन सकते तुम। दुर्वेश दिल का अलाव होता है, चूल्हे पर चढ़ी देख की तरह उबलता है। तुम्हें मशकीजा उठाए देखकर बाज लोग सोचेंगे इस आग के साथ पानी कैसे उठा लिया इसने। मगर अहले बसीरत जानते हैं, अंदर आग न भड़कती हो तो पानी उठाया ही नहीं जा सकता। जाओ संभालो माशकी का मनसब, मशकीजा भरो और सैराब करो प्यासों को। जब जी चाहे मुंह उठाकर शेख के हुजूर चले आना, उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं। जरा उसूल व आदाब का ख्याल रखा कीजिए पीर भाई। जाहिर है यहां एक इज्तमाई निजाम में हैं हम सब, बल्कि बेहतर होगा आपको जब इनसे कोई बात अर्ज करनी हो हमसे कहिए, मुनासिब हुआ तो हम खुद पहुंचा देंगे इन तक। अल्लाह माफ करे, उसूलों में खता बुनियाद में खता तक ले जाती है। उसूलों आदाब का एक दूसरे को पाबंद बनाने के लिए तंबीह करना भी आदाब में शामिल है पीर भाई। शेख मोहतरम कहा करते हैं, उसूल ना हो तो हुसूल मुमकिन नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यूनुस अफंदी, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है अब? अल्लाह आपको खुश रखे। हम दोनों जरा बाजार तक जा रहे हैं, फातिमा बाजी से दर्स लेने का इरादा है बासिम का। दुआ कीजिएगा इजाजत मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अब हम चलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहराम आगा की तकलीफ कम नहीं हो रही, दूसरी तरफ करवट लेते ही तीर का जख्म हरा हो जाता है उनका। हाँ वो तीर भी तो खुद ही बनाया था बहराम आगा ने, आखिर वो माहिर लोहार हैं नालेहान के। वो मिन्नत ना करते अगर यूनुस अफंदी की तो काजी के सामने जाकर सब कुछ बता देते यूनुस अफंदी। मेरा भाई है तो उनका भी तो कुछ लगता है,
मुझे मत समझाइए, उन पर जाकर गुस्सा निकालिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद मोहतरम। मामला ठीक होंगे यकीनन, खैर है ना? क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे थे? शैतान का काम आग लगाना है, हम तो लकड़ियां उठाए फिर रहे हैं। अल्लाह तुमसे राजी हो फरजंद, अल्लाह रहमत फरमाए। जज़ाकअल्लाह। कैसे हैं आप यूनुस अफंदी? पहले बहराम आगा की जिंदगी बचाई, लोगों की प्यास बुझा रहे हैं हम। अल्लाह आपके दिल को शादाब रखे यूनुस अफंदी। जज़ाकअल्लाह। चलें नमाज के वक्त मिलते हैं इंशाल्लाह। दरवेश अफंदी, मैं तो माशकी हूं, बस पानी पिलाता हूं। पानी मेरा नहीं, चश्मे का है। करताई में दरवेश बनने की तरबियत तो नहीं दी जाती, ये तो नालेहान आकर ताब्दू कैमरे की दरगाह में सीखा होगा। दरवेश बनने की तरबियत अगर मदरसों में दी जाती तो हम दोनों सीख गए होते। जरा तुम ये तो बताओ यूनुस अफंदी, कैसा लगा नालेहान के प्यासों को सैराब करना? दरवेश के लिए चश्मे का पानी ना कड़वा होता है ना ही मीठा, चश्मे का पानी तो बस चश्मे का पानी होता है। पानी के बारे में इसको कड़वा या मीठा कहना ये हमारे आदाब में शामिल नहीं। पानी हकीकत का अक्स होता है और ये दोनों चीजें इंसान को सैराब करती हैं। चश्मे के साथ मैं अपना प्याला भरे बगैर रख दूं तो क्या सैकड़ों हजारों साल बाद भी वो खुद ब खुद भर जाएगा? अगर तुम अपना दिल हकीकत के आबशार के नीचे नहीं रखोगे तो क्या वो भर जाएगा?
कहाँ मिलेगा हमें हकीकत का ये आबशार? इसके लिए ढूंढना होगा कोई मुर्शद कामिल। कैसे पहचानेंगे उस मुर्शद कामिल को? चलो ये बात हो ही रही है तो मैं हकीकत के आबशार और पानी के आबशार में ताल्लुक आपको बताता हूं। पानी दुनिया के तमाम मादों में पहली और मजबूत अलामत की सिफत रखता है। देखिए, पानी के ऊपर है आग और आग के ऊपर हवा होती है। हवा और आग की कोई मादी शक्ल नहीं होती। वो पहला मादा जिसने एक खास शक्ल इख्तियार की वो है पानी। यही सबब है कि पानी हकीकत की अलामत है। पानी मुख्तलिफ बर्तनों में रखा जाए, मुख्तलिफ शक्लों में बहता हो, या फिर पानी को मुख्तलिफ रंगों में रंगा जाए, रहेगा पानी ही। होने को ये यूनस के मशकीजे में भी हो सकता है, और होने को ये बगदाद के महल में सोने के आबखोरे में भी। पानी पर बर्तनों के हिसाब से हुक्म लगाना दरवेशों और तौहीद की राह के मुसाफिरों के लिए खिलाफ आदाब है। ये सब बुनियादी बातें हैं। हक के सिवा किसी और को मबूत न मानने पर ईमान लाना पानी पर ईमान लाना है, कड़वे पानी या मीठे पानी पर नहीं। अच्छे बुरे, कड़वे और मीठे, खूबसूरत बदसूरत का हुक्म लगाना अबस है। ये हक की एकताई के खिलाफ है। दरवेश की जुबान इससे आलूदा नहीं होती। दरवेश दरवेश तो अलापते रहते हैं हम दिन रात। चलो इसकी बात भी कर लें। कैसा होता है वो शख्स जिसे दरवेश कहा जाता है? दर वेज फारसी में दर है, दर वाजा, वेज जाने वाला, होते होते ये लफ्ज दरवेश से दरवेश बन गया। हाँ, ये तो लुगत के मानी होते हैं। मैं असल जिंदगी में इसके मानी आपको समझाता हूं। एक मुर्शद कामिल की दिलो जान से पैरवी करने वाला मुरीद जो उसकी रहनुमाई में राह सलूक पर चल रहा हो। लेकिन इस सफर की बुनियादी शर्त क्या है? इससे मुराद क्या है? यानी ऐसी क्या चीज है जो दरवेश को दरवेश बनाती है? खरका या दस्तार तो हो नहीं सकते। अगर ये सब होते तो बाजार में मिल जाया करते, दरगाह में आकर कौन रियाजतें करता? तो लीजिए इसकी वजाहत भी जान लीजिए। ये वो बातें हैं जो हर कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। दरवेश की असल क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे अपने फख्र पर फख्र है। अच्छा, तो ये फख्र क्या शय है? असल में फख्र यानी कुछ न रखना, फकीर होना है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ मुझे अपने पास कुछ न होने पर फख्र है। तो यानी कौन हुआ दरवेश? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गया। दरवेश फख्र का अहल होता है, कुछ न होने का अहल। फख्र कुछ न होना इंसान का अपने नफ्स को मुस्तकिल तौर पर अना से पाक रखना फख्र है। अपना और ज़ात बारी का ताल्लुक याद रखना भी फख्र है। अब कहोगे ये बात तो हम जानते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पीर हजरत अहमद यसवी रहमतुल्लाह अलैह दरवेश से मुतालिक हजरत अली का ये कौल बयान करते हैं। वो शख्स
जो रात में नमाज के लिए नहीं उठता, दिन में मखलूक की खिदमत नहीं करता और शेख होने का दावा करता है तो उसका दावा सरासर बातिल है। तो देखो क्या अक्स करते हैं पीर यूसुफी हजरत अली के इस कौल से। ए दरवेश, तू अच्छी तरह जान ले, सबसे पहले शरीयत के मानी और उसके बाद तरीकत के मानी और फिर उसके बाद हकीकत के मानी और आखिर में मारिफत के मानी को समझना चाहिए। अगर कोई बजों में खुद अपने आप को सूफी कहता है मगर ये बात नहीं जानता तो वो सूफी नहीं, और ये हमारा नहीं हजरत अली का फरमान है। ये है हजरत अली करमल्लाह वजू के अल्फाज में दरवेश की तारीफ, पीर अहमद यूसुफी के अल्फाज में दरवेश की तारीफ। ये राह सलूक के उसूल और आदाब में से है और इसके बगैर मुसाफिर को मंजिल नहीं मिलती। चार मकाम 40 मर्तबे, इसमें भी कितने ही राज पोशीदा हैं। ये इश्क की राह है, रयाकार इस राह पर चल ही नहीं सकते अना को तर्क किए बगैर, मलामत दुनिया के खौफ की परवाह किए बगैर। मस्जिद नबवी से मुत्तसल चबूतरे पर बेघर बेमाल रहने वाले अस्हाब सुबह की मानिंद सादा जिंदगी जिए बगैर और दुनिया से मुंह मोड़े बगैर दरवेश बना ही नहीं जा सकता। आपको अपने कंधे पर एक चमड़े का टुकड़ा रखना चाहिए पीर भाई। अली ताईगो सही कह रहे हैं, इनकी बात माने। आपकी पुश पर निशान पड़ जाएंगे। ये ले, आ गया चमड़े का टुकड़ा, इसे रखें अपने कंधे पर। तुम्हारे पास एक गधा भी तो हुआ करता था ना गोंदी, उस पर रखते थे ना मस्कीजा, भाग गया वो। चलो हो गया, कोई एक दिन की बात थोड़ी है भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह। यूनुस अफंदी, वो जो उसूल व आदाब के बारे में बात की थी कल मैंने, अगर आपकी दिल आजारी हुई हो तो माजरत। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्त तंबीह और दुश्मन गीबत करता है। मुमकिन है किसी को यह लगे कि हम बर्तरी जाहिर कर रहे हैं, मगर हम रहनुमाई करते हैं। हम भी अगर किसी नए माहौल में जाएं और हमें वहां के उसूल व आदाब मालूम ना हो तो हमें भी यकीनन तंबीह की जाएगी। हम तो बस अपनी राह के आदाब का ख्याल रखना चाहते हैं, और अगर हमारा ताल्लुक ना होता, दोस्त ना होते आप, दोस्त ना समझते हमें, तो सवाल ही नहीं था कि हम आपको राह दिखाते। चलिए, आपका मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये साबिक काजी हैं, यूनुस अफंदी नाम है इनका। आपको कैसे मालूम? जानता हूँ इन्हें, ताप दो कैमरे की दरगाह जाकर दरवेश बन गए। ला इलाहा इल्लल्लाह।
अर्तगुन आफंदी, तुम्हारा दावा है कि इसने तुम्हारा माल छीना है, लेकिन तुम्हारे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। मैं तो उस वक्त बल्दीवी गांव में था, वहां बाजार में अपने मावन के पास था। गुकान गवाह है इस बात का। ये सही कह रहा है काजी साहब, झूठी गवाही दे रहा है ईशा। तुम्हारे जूते तो बहुत शानदार हैं, मुझे करीम मुगलों का पता बता दो अगर, और अर्तगुन आफंदी का जो माल हड़प किया है वो सब उसे लौटा दो तो माफ कर दो। कीजिएगा जनाब, कोई और समझा था आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह। शामदीत, मिकाल चचा तो नहीं है ना यहाँ? नहीं तो यूनुस अफंदी को देखा भी बाजार में मैंने, ऐसे मशकीजा उठाए हुए थे जैसे माशकी हो। बैठो तो सही। तुम्हारा मतलब है काजी यूनुस अफंदी? काजी नहीं, दरवेश यूनुस है अब तो। वो सुन तो रखा था पहले भी, लोगों को पानी पिलाते हुए मशकीजा उठाए देखा तो फिर यकीन आया मुझे कि ये तो वाकई दरवेश बन गए हैं। ऐसा कभी सुना तो नहीं है पहले कि कोई काजी का ओहदा छोड़कर यूं दरवेश बन जाए। पता है इसके पेट में खजाना होता है, हाथ मत लगाओ दाने हो जाते हैं इससे। तुम तो डरपोक हो। मैं नहीं डरता किसी भी चीज से, तुम ही होगे डरपोक। इसका खोल तोड़ते हैं, देखना अंदर से सोने के सिक्के निकलेंगे। एक बार मेरे दादा ने भी देखा था बाग में, जिस जमाने में सुल्तान ने मलार्जगित फतह किया ये मलार्जगित में होता था। उम्र लंबी होती है इसकी। चलो खोल तोड़ते हैं, सोने के सिक्के निकलेंगे। वो देखो दरवेश आ गए, चलो भागो भागो। तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है? बहुत खून निकल रहा है। अम्मा जान ने कहा था कुछ कपड़े खरीदने हैं उन्हें, मेरा दर्द खत्म हो गया लेकिन अभी तक आई ही नहीं। ऐसी जल्दी क्या है, मेरे साथ चलना। मिकाल चाचा कहाँ गए हैं? गांव गए हैं किसी जख्मी को देखने। खुशामदीद। तबीब साहब मौजूद हैं क्या? गांव गए हुए, किरा ने बताया। कोई मसला है तो किरा को बता दे, ये भी अपने बाबा के लायक शागिर्द है। सब खैरियत तो है ना, कोई काम है तो मुझे बता दें। बच्चों ने चौराहे में खेलते हुए पत्थर मारकर जख्मी कर दिया इसे।
पत्थर का जख्म तो नहीं है? लगता है जानबूझकर चीरा लगाया है किसी ने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जोंक लग गई होगी। क्या कर रहे हैं बाबा? बस इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं इंतजार कर रहा हूं। हाथ में चाकू लिए बैठे अल्लाह खैर। मैं पानी से साफ कर देती हूँ, इसे ठीक हो जाएगा। जा रहे हैं आप? किरा खातून इसका ख्याल रख लेंगी, मैं चलता हूं। क्या आप कलमाए तौहीद के मायने जानते हैं? तबीब मिकाल ने सेवरी हिसार में मुझसे कहा था, अगर तुम वाकई इस बात का जवाब हासिल करना चाहते हो तो नालेहान चले जाओ, आरतिन नाम है मेरा। अगर किसी ने भी कलमाए तौहीद के सही सही मायने बता दिए मुझे तो मुसलमान हो जाऊंगा, मगर मुझे अभी तक कोई ऐसा नेक बुजुर्ग मिला ही नहीं। क्या पूरे नालेहान में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे कलमाए तौहीद के मायने बता सके? सच्चा मुसलमान नहीं है कोई यहाँ? लाए ना अम्मा, मुझे दे, मैं उठा लूंगी। अल्लाह बहुत भारी है। जब ही तो कह रही हूँ कि दे दे। तुम नहीं उठा सकोगी, बहुत वजनी है। ये दरवेश कहाँ जा रहे हैं, कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अल्लाह खैर करे। सोचो दरवेश ऐसा हो सकता है भला? दरवेश शाहीन की मानिंद होता है, बुलंद परवाज रखता है, वैसी नहीं होता, उल्लू की तरह वीराने में नहीं रहता, शिकरे की तरह दूसरे के बच्चों को अगवा करके अपने घोंसले में नहीं लाता कभी। वो तो खुद शिकारी है, वो तो मर्द मर्द मर जाएगा मगर दूसरों के किए हुए शिकार पर मुंह नहीं मारेगा कभी, मुर्दार नहीं खाता।